बीजेपी को करारी शिकस्त देकर कांग्रेस ने रचा इतिहास। कांग्रेस प्रत्याशी की शानदार जीत। मध्य प्रदेश में हॉट सीट बन चुके विजयपुर विधानसभा पर कांग्रेस ने अपनी जीत की ध्वज पताका लहराकर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि यहां से सरकार ने वन मंत्री रामनिवास रावत को चुनाव लड़ाया था, जिन्हें कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने 7,428 वोटों से हरा दिया है। ये उपचुनाव कोई आम चुनाव नहीं था। यहां बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए प्रदेश के सीएम 8 बार विजयपुर विधानसभा में आ चुके थे, 3 बार रोड शो के माध्यम से वोट भी मांगे थे और प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री गली गली घूमे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पूरी कांग्रेस ने यहां कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सड़कें नाप दी थी, मगर 23 नवंबर के परिणाम ने सारे सियासी ताकत को आईना दिखा दिया और कांग्रेस ने अपने पुराने साथी को शिकस्त देकर एक बार फिर कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले विजयपुर में जीत का झंडा गाड़ दिया। शोपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुकेश जी, कैसा क्या लग रहा है? बहुत करारी आपने शिकस्त दे दी, पूरी सरकार को हरा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के मतदाताओं ने, वोटरों ने और हमारे सब छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बहुत मेहनत करी दिन रात और कांग्रेस पार्टी यहाँ से हजारों हजारों मतों से जीती।